हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर आइकन्स का ऑप्शन दिया गया है। आइकन शेप्स को आप चेंज कर सकते हैं, ये भी आपको ऑप्शन इसमें दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। आइकन शेप्स आपको जो अच्छा लगे, ऐसा यहाँ पर काफ़ी आइकन शेप्स है जिसे आप चेंज करके इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे आपको लॉन्ग प्रेस करना है स्क्रीन पर, कहीं भी खाली स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस कर लेना है, ओके। और होम सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेंज आइकन शेप्स का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। और जिसमें आपको स्क्वायर, यहाँ पर टीयर ड्रॉप, यहाँ पर स्क्वायर सर्कल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ राउंडेड रेक्टेंगल का ऑप्शन दिया गया है, तो ये सभी शेप्स हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, पहला है स्क्वायर, यहाँ पर देख लेते हैं। होम बटन पर क्लिक करना है, येस स्क्वायर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नाइस सेटिंग है इसकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से आपको लॉन्ग प्रेस करना है, फिर से आपको आइकन शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये टीयर ड्रॉप पर क्लिक करना है। और ये देखिए टीयर ड्रॉप की जो आइकन शेप से काफ़ी नाइस लग रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चेंज कर लेना है। ये देखिए काफ़ी नाइस लग रहा है टीयर ड्रॉप। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये है स्क्वायर सर्कल, यहाँ पर आपको चेंज करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पर फिर से लॉन्ग प्रेस करना है, फिर से शेप पर क्लिक करना है और राउंड रेक्टेंगल, तो यहाँ पर ये देखिए कुछ ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको चेंज कर लेना है। तो ये था सेटिंग जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट चेंज कर, दोबारा आप डिफ़ॉल्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको शेप्स को चेंज कर लेना है और इसका इस्तेमाल कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये था सेटिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।